तो आपको सिखाऊंगा आज रिटचिंग। तो इस फोटो की हम रिटचिंग करेंगे, मतलब फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके सारे पिंपल्स गायब करेंगे। सबसे पहले हमें किस टूल में जाना है, सॉरी मिनट एक मिनट देखते हैं कौन सा टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम अपना सोर्स वहाँ उस जगह रखेंगे जो जगह ठीक है, मतलब ये जगह ठीक है, इस पर टच करेंगे, ठीक है। सोर्स को इस पर क्लिक करके इसको यहाँ सोर्स कर लिया। अब इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। टिक करना है और बस इसको, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ आपको इसी तरह, ठीक है। सोर्स करना है और जैसे सोर्स को यहाँ रख लिया, उसके बाद ब्रश का साइज अपने अनुसार रख सकते हैं जितना भी रखना है हमें। इसकी रेटिंग बिल्कुल वैसे होगी जैसे फोटोशॉप पीसी के अंदर होती है, उस हिसाब से सोर्स करना है, ठीक है। और इसको हटा देना है, तो आप देख पा रहे होंगे ना, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ। सोर्स अपना वही रखना है, ठीक है, यहाँ फिर ठीक हो थोड़ा स्किन, ठीक है। उसी हिसाब से करते रहना, साइज इसका साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा भी रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे ना इसकी स्किन कैसे। और आप वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ही सिंपल मेथड है इसमें, तो आप वीडियो देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडू भी कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है ना कुछ प्रॉब्लम, तो अंडू कर सकते हैं इस वाले बटन से। एक साइड तो शायद हमारी क्लियर हो चुकी है, तो इसको दूसरी साइड देख लेते हैं। तो हमारी लगभग स्किन हो चुकी है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जहाँ जहाँ बची उसके जगह को कर लेते हैं। जूम कर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर सोर्स का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और इसका साइज भी चेक करते रहना, जैसा ठीक लगे वहाँ कर लेते हैं। कुछ देख लेते हैं जहां जहां में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो फाइनली हमारी इसको हो चुकी है, तो अभी इसको अभी बहुत काम है हमें, तो इसको स्मूथ भी करना है हमें। तो कैसे करना है, ठीक है, तो इसको हम इफेक्ट में जाएंगे, एफेक्ट्स में, ठीक है। तो हम फोटो वाले पे क्लिक करेंगे, सॉरी उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी एक लेयर बनानी पड़ेगी। तो लेयर लेने के लिए प्लस पे आइकॉन पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। तो डुप्लीकेट लेयर होने के बाद इस पर टिक करना है कहीं पे भी। लेयर लेने के बाद उसके बाद हम इसको ब्लर करेंगे थोड़ा सा हल्का सा। तो हम बेसिक पे होगा तो हमें फोटो पे क्लिक करना है और सॉफ्ट स्किन पे क्लिक करके इस, ठीक है, ये 100 रखनी, ठीक है। उसके बाद हमें इसको देखना है वेली बढ़ा के कम बढ़ करके जितना ठीक लगे। सॉरी ये लेयर चेक करनी है हमें किस लेयर पर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसको फिर हमको एफएक्स में जाके इसको स्किन सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है कि अलग ही दिखे, उतना रखना है जितना सही लगे। तो फिलहाल तो अभी ये ठीक लग रहा है, उसके बाद हमें चाहे कलर कर सकते हैं, तो इसी तरह हम कर सकते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा ही थे, तो फिर भी मैंने इसको करके देखे, और आप देखिए कितने सारे थे उसमें कितना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो ओल्ड थी, ठीक है, आप कंपेयर करना उससे खुद ही। टू लेयर में जाके उसको ऐड करेंगे, सॉरी देख लो, देखना कितना डिफरेंट है, तो आप चेक कर पा रहे होंगे ना।
इसको बड़ी आसान तरीके से हम इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही दूंगा इसके बारे में और भी डिटेल हेयर के ऊपर, ठीक है।